might be going up. करने के बजाय मंच पर से यहीं से खड़े होकर आपको बोला है, आप सबसे पहले आखिर में आह्वान करना। जो ये यात्रा है उसके मुख्य अतिथि आदरणीय हस्तिनापुर से चलकर गंगा यात्रा आज बुलंदशहर पहुंची। यात्रा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ दो केंद्रीय मंत्री और 8 राज्य मंत्री समेत बुलंदशहर के 7 विधायक मौजूद रहे। यात्रा हापुड़ के ब्रजघाट से बुलंदशहर के सियाना जहांगीराबाद होते हुए छोटी काशी अनूपशहर पहुंची। हालांकि इस दौरान जगह जगह हुए स्वागत समारोह के चलते यात्रा समय से लगभग 5 घंटा लेट अनूप शहर के मस्तराम गंगा घाट पहुंची। मगर घाट पर बेसब्री से गंगा यात्रा का इंतजार कर रहे श्रद्धालु और सामाजिक लोगों ने डिप्टी सीएम के रथ का भव्य स्वागत किया। हर विषय को राजनीति के चश्मे से देखना चाहते हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो इस यात्रा को देश के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। ये राष्ट्रीय विषय है, गंगा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है, गंगा हमारी मैया है। और जो वर्षों से विकास से वंचित थे, जो गंगा किनारे के हजारों गांव वर्षों से विकास का इंतजार कर रहे थे, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि गंगा मैया जहाँ मोक्षदायिनी है, जीवनदायिनी है, वहीं गंगा मैया अर्थदायिनी भी है। प्रदेश के आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे प्रकाश मंत्री आदरणीय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बहुत लेट हो रहे हैं, आगे प्रोग्राम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बात का संकेत है, लोग माँ गंगा को साफ करने के लिए प्रयास सर एक मिनट गया और अरे फोन नीचे करो यार, चलो मीडिया से बोलिए, नीचे से करो फोन, ये मीडिया से नहीं है, किसके मोबाइल से हटो यार, हटो हटो बाहर निकलो, होती भी है जा रही है। और 1308 ऐसे जगह है जो जिला पंचायत के बीच में पड़ती है, इसलिए इतनी लंबी यात्रा का केवल कारण एक ही है और वो है कि हमारी जो 40% आबादी को प्रभावित करती है गंगा माँ, वो गंगा माँ स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, अविरल रहे और हम सबका कल्याण करती रहे। जो ये यात्रा है उसके मुख्य अतिथि आदरणीय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने बताया कि हस्तिनापुर से बुलंदशहर तक ऐसी कोई नगर पालिका नगर पंचायत नहीं रही जहां उनके रथ का स्वागत ना किया गया हो। इस गंगा यात्रा में सबसे खास बात ये देखने को मिली कि डिप्टी सीएम के सामने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति करने के लिए पहुंचे मासूम स्कूली छात्र छात्रा पूरे जज्बे के साथ डिप्टी सीएम के इंतजार में डटे रहे। अनूप शहर के बाद यात्रा नरौरा के लिए रवाना हो गई। गौरतलब है कि गंगा यात्रा में मौजूद मंत्री आज बुलंदशहर के नरौरा के बसी घाट पर प्रवास करेंगे, जबकि कल ये यात्रा अलीगढ़ के लिए रवाना होगी। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।